वेलकम बैक टू ममाज वर्ल्ड। मैं हूँ अनीता और आप सबका बहुत स्वागत है ममाज वर्ल्ड में। फ्रेंड्स, आज मैं बात करने वाली हूँ बेसिक मेडिसिन क्या है, हैंडी मेडिसिन मैं कहूँगी, फॉर 0 to 6 मंथ्स बेबी। मैं 0 to 6 मंथ इसलिए बोल रही हूँ ताकि ये दवाइयाँ 6 मंथ के बाद भी बेबी को यूज होगी, लेकिन 6 मंथ के बाद में बेबी जो है सॉलिड खाना स्टार्ट करता है तो हो सकता है कि उसको अगर कोई हेल्थ इश्यू है तो डॉक्टर स्ट्रॉन्ग डोसेस वाली दवाई रिकमेंड करे, इसलिए ये दवाइयाँ मैं सिर्फ 0 to 6 मंथ के लिए आज बता रही हूँ। दूसरी इंपॉर्टेंट बात है, इसमें से कोई भी दवाई आप डायरेक्टली जाके मेडिकल स्टोर से लाके अपने बेबी को नहीं दोगे, ये मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं कर रही हूँ यहाँ पे। ये इसलिए क्योंकि हर बेबी डिफरेंट होता है, हर बेबी का हेल्थ इशू का सीवियरिटी डिफरेंट होती है, लेकिन मैं ये इसलिए शेयर कर रही हूँ क्योंकि बहुत सारे, मतलब मेरी जिस हॉस्पिटल से डिलीवरी हुई थी वहाँ के पेडियाट्रिशियन ने ये प्रिस्क्राइब किया था बेबी के लिए और वहाँ से मैंने लाया था, लेकिन बहुत सारे मैटरनिटी हॉस्पिटल्स ये रिकमेंड, मतलब प्रिस्क्राइब नहीं करते हैं, तो बहुत सारे न्यू मदर्स को ये नहीं पता होता है और फिर जब स्टार्टिंग में कोई प्रॉब्लम होता है, बेबी बहुत रोने लगता है तो वो टेंस होती है, उसको नहीं पता होता है, इसलिए मैं आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए, आपके नॉलेज के लिए बता रही हूँ। लेकिन आपके बेबी को कुछ भी इश्यू होता है तो आप एक जेनरिक विजिट डॉक्टर से, अपने पेडियाट्रिशियन से करके ये दवाइयाँ लिस्ट आपको डॉक्टर को बता के पूछ सकते हो। आजकल बहुत सारे डॉक्टर्स व्हाट्सएप पे अवेलेबल रहते हैं, कॉल पे अवेलेबल रहते हैं, तो अगर आप हॉस्पिटल नहीं जा सकते हो तो आप डॉक्टर को पूछ सकते हो कि ये दवाइयाँ मेरे पास है, क्या मैं ये अपने बेबी को दे सकती हूँ, या हो सकता है कि उसी कंटेंट वाली अलग नाम की दवाई डॉक्टर आपको रिकमेंड करे, क्योंकि बहुत सारे ब्रांड्स की दवाइयाँ अवेलेबल होती हैं। तो लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो। तो सबसे पहले मैं बात करूंगी कि जो भी मेडिसिन होती है वो, मतलब आपको कुछ भी इश्यू लगता है या बच्चा थोड़ा अलग रो रहा है, क्योंकि 0 to 6 मंथ के बेबी जो होते हैं उसमें दो सेक्शन है, एक तो है 0 to 3 मंथ्स एंड देन 4 to 6 मंथ्स। तो थ्री मंथ्स तक के जो बच्चे होते हैं वो ज़्यादातर सोते रहते हैं, या तो उनको भूख लगती है या तो सोते रहते हैं, इसके अलावा उनके पास कोई काम नहीं होता है। लेकिन 4 to 6 मंथ के बच्चे जो होते हैं उनमें थोड़ी एक्टिविटी बढ़ जाती है, वो थोड़ा टाइम खेलने लगते हैं, उनकी नींद थोड़ी सी कम होती है, बहुत ज़्यादा नहीं बोलूँगी मैं, लेकिन 10% उनकी नींद कम हो जाती है। तो आपको कोई भी दवाई देने के पहले आपको देखना है, आपको स्टडी करना है कि बेबी बहुत ज़्यादा रो रहा है, उसको बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। ऐसे नहीं कि आप थोड़ा अलग से रो रहा है तो आप तुरंत उसको दवाई दे दो, ऐसा नहीं करना है। मैं बताऊँगी कि कौन सी दवाई में क्या सिम्टम्स है या कब आपको लगेगा कि नई दवाई देना ज़रूरी है। तो सबसे पहले मैं बात करूँगी कोलीमैक्स ड्रॉप्स। कोलीमैक्स ड्रॉप्स ये है बहुत इंपॉर्टेंट दवाई है, आई थिंक आपको दिख रहा है। ये दवाई जो है ये गैस प्रॉब्लम के लिए है, या अगर बच्चे की स्टमक में कोई पेन है। ये दवाई जो हो है, गैस प्रॉब्लम जो बेबीज़ में है बहुत कॉमन है। अगर आपको पता होगा तो छोटे बच्चे जो होते हैं, मतलब 0 to 6 मंथ के बच्चे, उनमें गैस प्रॉब्लम होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। इसका रीज़न ये है कि उनका टमी का जो साइज़ होता है वो बहुत छोटा होता है, मतलब वो इतने छोटे बॉल के इतना होता है, इतना बड़ा बॉल भी नहीं होता, छोटा बॉल के इतना होता है, तो वो दूध पीते हैं। बहुत बच्चे होते हैं उनको नहीं पता होता कि कितना दूध पीना है, तो वो दूध पीते ही रहते हैं, तो उनको जब भूख लगती है तो उससे क्या होता है, या तो वो ज़्यादा पी करते हैं, अगर वो पी ज़्यादा नहीं करते तो वो मिल्क है जो भी वो पीते हैं वो गैस में कन्वर्ट हो जाता है और उनको बहुत पेन होता है, बच्चे बहुत ज़्यादा रोते हैं। तो ये बहुत ही अच्छी दवाई है, ये तो आपके पास होनी ही चाहिए दवाई। ये दवाई जो है ये, इसके 3 ड्रॉप देने होते हैं आपको बेबी को जब उसको गैस की प्रॉब्लम है, और अगर गैस की प्रॉब्लम 6 घंटे तक कम ना हो तो 6 घंटे के बाद आप फिर से इसको 3 ड्रॉप्स आपके बेबी को दे सकते हो, इससे तुरंत कम आ जाता है गैस का प्रॉब्लम। अब आपको पता कैसे चलेगा आपको बेबी को गैस हुआ है या नहीं हुआ है? तो आपका बच्चा अगर बहुत ज़्यादा रोता है, कंटिन्यूसली रो रहा है, बिल्कुल भी नहीं मतलब रुक रहा है, उसको और कुछ नहीं हुआ है, जैसे कि मतलब कुछ जख्म नहीं हुआ है या कुछ लगा नहीं है, बट ऐसे ही रो रहा है, वो दूध नहीं पी रहा है, वो सो नहीं रहा है, तो आपको क्या करना है, आपको उसके टमी पे थोड़ा सा स्लाइटली टच करके, थोड़ा सा प्रेस करके हल्का देखना है। लेकिन बच्चा जब रो रहा है या जब वो चिल्ला रहा है तब आपको नहीं चेक करना है, क्योंकि तब क्या होता है, स्किन ऑलरेडी स्ट्रेच होती है और आपको वो एरिया हार्ड लगेगा। आपको नॉर्मल जब वो खेल रहा है या नॉर्मल शांत हो गया रोना, तब आपको चेक करना है, और अगर उसके पेट में आपको थोड़ी हार्डनेस लगती है तो आपको समझना है कि बच्चे को गैस हुई है, तो आपको ये दवाई देनी है। मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस इसके बारे में बताऊंगी कि मेरा बेबी जब 5-6 दिन का था, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, लेकिन 5-6 दिन का था, तब मुझे नहीं पता था कि बच्चे को बर्प करना, बच्चे को डकार देना कितना इंपॉर्टेंट होता है,
मुझे पता था देना होता, लेकिन मुझे लगा कि कभी कभी नहीं दिया तो चलेगा। तो दो तीन फीडिंग में मैंने उसको डकार नहीं दी तो उसको गैस की प्रॉब्लम हो गई और रात के 12 बजे वो बहुत रोने लगा। फिर 2 बजे मैंने उसको ये दवाई डाली थी 3 ड्रॉप, और फिर उसके बाद में उसको थोड़ी देर बाद आधे घंटे बाद उसको पी हो गया था, उसने पोटी भी कर ली थी थोड़ी, फिर रिलीफ हो गया, फिर उसके बाद वो सो गया था। तो बहुत इंपॉर्टेंट दवाई है ये। उसके बाद में मैं बात करूँगी पेरिनॉम, ये पेरिनॉम करके ड्रॉप्स है, ये 5 ड्रॉप्स देने हैं। ये दवाई वोमिटिंग के लिए है फर्स्ट ऑफ ऑल, बच्चे को जब वोमिटिंग की प्रॉब्लम होती है। अब अगेन वोमिटिंग होती है तो आपको पता कैसे चलेगा फ्रेंड्स, वोमिटिंग और स्पिटअप में डिफरेंस है। वोमिटिंग जो होती है वो जब आती है तो बच्चे को परेशानी होती है, बच्चा बहुत अजीब सा मुंह बनाता है, बुरा मुंह बनाता है, जैसे हमें वोमिटिंग आती है वैसे ही बच्चों को आती है। तो वो बहुत ही उनको पेन होता है मतलब बाहर आते टाइम, तो वो वोमिटिंग होती है। जो स्पिटअप होता है उसमें उनको इतनी परेशानी नहीं होती, स्पिटअप आराम से आता है, मतलब वो खेल रहे हैं और बीच में ही स्पिटअप हो जाएगा। तो और वोमिटिंग में हो सकता है व्हाइट कलर का भी वो वोमिटिंग स्पिटअप की तरह, या अगर ज़्यादा वोमिटिंग हो रहा है तो वो एक हल्का सा ग्रीन हल्का येलोइश कलर आ जाता है वोमिटिंग में। तो आपको ये दवाई देनी है 5 ड्रॉप्स, अगर कम ना हो तो 6 घंटे के बाद फिर से 5 ड्रॉप्स देने हैं। उसके बाद में ये ड्रॉप है नेसोमिस्ट, ये आप सबको ज़्यादातर लोगों को पता होता है ये ड्रॉप। ये 2 ड्रॉप्स डालने होते हैं ईच नोजल में। अगर बच्चे को थोड़ा सा कोल्ड हो गया है या ड्राई होगी उसकी नोज़ तो ये आप डाल सकते हो, ये मैं रिकमेंड कर सकती हूँ, विदाउट डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन भी आप ये ला सकते हो। और आपको आपके बेबी को अगर आपको लग रहा है उसकी आवाज़ से कि उसको थोड़ा कफ हो रहा है या उसको कोल्ड हो रहा है तो आप ये दवाई उसके नाक में डाल सकते हो। ये दिन में 3 टाइम डालना है अगर ज़्यादा आपको लग रहा है कोल्ड, अगर ज़्यादा नहीं है तो 1-2 टाइम आप डाल सकते हो। उसके बाद में ये है जेंटिसाइन आई ड्रॉप्स। जेंटिसाइन आई ड्रॉप्स जो है ये स्टिकी आइज़ के लिए होते हैं। पर्सनली मुझे इसका एक्सपीरियंस नहीं है क्योंकि मेरे बेबी के स्टिकी आइज़ कभी हुए नहीं है। इसके रिकमेंड किए जाते हैं स्टिकी आइज़ के 2 ड्रॉप्स इन ईच आइज़, और इसको आपको दिन में 4 बार डालना है। लेकिन मैं बोलूँगी कि अगर आई के रिलेटेड कुछ भी है, हर दवाई आपको डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के बाद ही यूज़ करनी है, लेकिन आई के रिलेटेड है तो आप आई स्पेशलिस्ट को दिखाने के बाद ही कोई भी दवाई बच्चे के आई में डालो, क्योंकि आई बहुत इनसेंसिटिव पार्ट होता है बॉडी का। ये जो है मतलब बेबीज़ को अलग अलग आई प्रॉब्लम्स होती है, उनके आईज़ रेड होते हैं, उनके आई स्टिकी होते हैं, उनके आँखों से पानी आता है, तो बहुत सारे अलग अलग प्रॉब्लम्स होते हैं। बट ये एक जेनरिक है, नॉर्मली बच्चों में स्टिकी आइज़ होते हैं तो ये भी डॉक्टर रिकमेंड करते हैं इन इनिशियल प्रिस्क्रिप्शन। उसके बाद में वेरी इंपॉर्टेंट है कोसिन ड्रॉप्स, कोसिन ओरल ड्रॉप्स, ओरल सस्पेंशन है इसका। इसके बेबी को देने हैं आपको एक सेकेंड, इसके देने हैं आपको बेबी को 6 ड्रॉप्स देने हैं इसके। ये जो दवाई है ये क्रोसिन है, इसका अल्टरनेटिव आता है पैरासीटामोल ओरल ड्रॉप्स फॉर फीवर, ये फीवर के लिए दिया जाता है बच्चों को। मैं कहूँगी कि जब वैक्सीनेशन होता है बच्चों का तो उसके तुरंत बाद बहुत सारे बच्चों को फीवर आता है। पर्सनली मेरे बच्चे को एक वैक्सीनेशन में आया था जो उसका सेकेंड वैक्सीनेशन था, फर्स्ट 3 मंथ की वैक्सीनेशन की मैं बात कर रही हूँ, जबकि स्ट्रॉन्ग वैक्सीनेशन होती है, बहुत सारे उसमें इंजेक्शन्स बच्चे को लगते हैं तो वो नहीं सहन कर पाते, बहुत छोटे होते हैं बेबी तो उनको ज़्यादातर फीवर आने के चांसेस रहते हैं। तो डॉक्टर नॉर्मली रिकमेंड करते हैं फीवर के लिए दवाई, तब डॉक्टर पैरासीटामोल देते हैं, थोड़े स्ट्रॉन्ग डोसेस होते हैं वो, तो फीवर तुरंत कम आता है। लेकिन अदरवाइज कभी फीवर आपको लगता है तो आप क्रोसिन ओरल ड्रॉप्स दे सकते हो, इसके आपको 6 ड्रॉप्स देने हैं बेबी को, और फीवर कम ना लगे तो आपको 6 घंटे के बाद आपको फिर से 6 ड्रॉप्स देने हैं। उसका अल्टरनेटिव जो मैंने बोल रही थी ये है पैरासीटामोल ड्रॉप्स, ठीक है। उसके बाद में है सीलोडर्म, उसके बाद में आता है सीलोडर्म क्रीम। ये क्रीम है नैपी रैश के लिए, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी मैं आपको रिकमेंड करती हूँ, ये आप डायरेक्टली विदाउट प्रिस्क्रिप्शन ला सकते हो, इसमें कोई हार्म नहीं है। ये बच्चों को ज़्यादातर नैपी रैश होता रहता है, वो बहुत पी करते हैं तो बार बार पी करने की वजह से उनको नैपी रैश की प्रॉब्लम होती है, तो आपको ये यूज़ करना है। मैं जब पुणे आई मेरे मैके से तो मेरे दूसरे डॉक्टर ने सीलोडर्म मिक्सी ये वाली आप देख सकते हैं सीलोडर्म मिक्सी ये वाली नैपी रैश क्रीम
रिकमेंड की थी, तो ये दोनों है, सिलोडर्म ही है, दोनों का कंटेंट ऑलमोस्ट सेम है, आप कोई भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन मुझे ये सिलोडर्म ओनली ये ज़्यादा मुझे अच्छी लगी तो मैं यही यूज़ करती हूँ। बच्चे को अच्छी तरह से आप लगा दो, जब उसकी नैपी हटाओ तो उसका एरिया क्लीन करके ये अच्छे से लगा दो, थोड़ा ड्राई होने के बाद दूसरा नैपी पहना दो, तो ये मस्ट है बच्चों के लिए। तो ये है कुछ बेसिक दवाइयाँ जो मेरे डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब की थी, और इसमें से गैस वाली, फिर नोज़ के रिलेटेड, फीवर के रिलेटेड और नैपी रैश के, ये तो आपके पास होना ही चाहिए। उसके बाद में मैं दवाई नहीं कहूँगी, लेकिन कुछ सस्पेंशन है जो बेबीज़ को नॉर्मली डॉक्टर देते हैं 6 मंथ तक देने के लिए, तो उसमें से एक है कैल्सीमैक्स पी। ये बहुत ज़रूरी है, इसका 2.5 ml बच्चे को देना होता है फर्स्ट डे से 6 मंथ तक के बच्चे को ये देते हैं। ये इसमें बहुत सारा कंटेंट होता है, इसमें है कैल्शियम, फॉस्फोरस, मैग्नीशियम, जिंक, विटामिन D3, तो ये बच्चों को बोन स्ट्रॉन्ग करने में हेल्प करता है, इस पर लिखा भी है टू हेल्प मेंटेन स्ट्रॉन्ग बोन्स, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको बच्चे को देना है। ये दवाई बहुत मतलब ऑलमोस्ट सब डॉक्टर रिकमेंड करते हैं, बच्चों को देते हैं हॉस्पिटल से डिस्चार्ज देने के पहले, इसका 2.5 ml मॉर्निंग एंड इवनिंग दोनों टाइम देना है। इसके बारे में और एक मैं आपको टिप बताऊंगी कि बच्चा जब आपका 1.5 महीने का या 2 महीने का होता है ना, तो बहुत सारे बच्चे ना ये दवाई खाना पसंद नहीं करते, क्योंकि ये थोड़ा थिक है, एकदम लिक्विड फॉर्म नहीं है, तो बच्चा ये बहुत मीठी है, टेस्ट में अच्छा है, लेकिन बच्चा तब उसको खा नहीं पाता, उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाता, तो बच्चे ना बाहर निकालते हैं। मेरे बेबी ने भी किया था, जब वो अराउंड 2 मंथ्स का होने लगा था, तो मेरे डॉक्टर ने एक अल्टरनेटिव दूसरा दिया था, उसमें भी कैल्शियम कंटेंट होता है, जो कि मैंने कुछ टाइम के लिए दिया था, लेकिन मैं कहूँगी कि वो आप कुछ टाइम के लिए दो अल्टरनेटिव, और उसके बाद फिर से आप ये ट्राई करो। अगर आपका बच्चा डायरेक्टली नहीं पी रहा है तो थोड़ा सा मिल्क डाल के आप ट्राई करो, मतलब आप ब्रेस्ट फीडिंग कर रहे हो तो ब्रेस्ट मिल्क, फॉर्मुला मिल्क दे रहे हो तो फॉर्मुला मिल्क, इसमें थोड़ा सा मिक्स करके देना ट्राई करो, थोड़ा लिक्विड फॉर्म बना के, तो बच्चे पियेंगे। लेकिन यही दवाई तो ये ज़्यादा अच्छी है, अल्टरनेटिव उसका होता है, उसमें कंटेंट इतना अच्छा नहीं होता है, तो आपके बच्चे को ये ज़्यादा बेनिफिट करता है, तो मैं रिकमेंड करूँगी कि ये दवाई आप कंटिन्यू करो। उसके बाद में है दूसरा ड्रॉप, मल्टीविटामिन ड्रॉप्स। ये बहुत सारे डॉक्टर्स नहीं देते, मैंने देखा है, बट ये देना भी ज़रूरी है। ये मल्टीविटामिन ड्रॉप्स है, इससे बच्चों की भूख भी बढ़ती है और बच्चे थोड़ा हेल्दी रहते हैं, अच्छे रहते हैं, तो ये भी दवाई देना आपको ज़रूरी है। इसका बच्चों को 0.5 ml देना है मॉर्निंग एक टाइम पे। तो ये दवाई बहुत सारे डॉक्टर नहीं रिकमेंड करते, लेकिन आप डॉक्टर को पूछ के अपने पेडियाट्रिशियन को अपने बेबी के लिए दवाइयाँ ला सकते हो। ठीक है, तो ये कुछ थी बेसिक मेडिसिन, हैंडी मेडिसिन जो आपके पास होनी चाहिए, तो आपका बच्चे को कुछ प्रॉब्लम भी होती है तो तुरंत उसका सोल्यूशन आपके पास होगा। कोई भी दवाइयाँ, बच्चा रो रहा है तो तुरंत आप ना दो, थोड़े टाइम के लिए, थोड़े आवर्स के लिए मैं कहूँगी वेट करो, नेचुरली देखो कि उसको सच में वो प्रॉब्लम है या नहीं है, अगर उसको प्रॉब्लम लग रही है तो फिर आप दवाइयाँ दो। आपको ज़्यादा सीवियर प्रॉब्लम लगती है, दवाई देने के बाद भी बच्चे को कम नहीं हो रहा है, तो आप अपने डॉक्टर को विजिट करो। आई होप आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा हो तो हमेशा की तरह लाइक बटन पर क्लिक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। आपके कोई भी क्वेश्चंस है, कोई इसमें दवाई मैंने मिस की है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट डालिए, या हो सकता है कि मुझे भी यूज़फुल हो वो दवाई। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ताकि मेरे सारे आने वाले वीडियोज़ आप तक सबसे पहले पहुँचे, और बेल आइकन को भी हिट कीजिए टू गेट टाइमली नोटिफिकेशन। थैंक यू सो मच।